कोरोना काल में जिनसे जैसी भी मदद हो सकी उन्होंने की। सोमवार को भिकनगांव जन अभियान परिषद ने कोरोना वॉरियर्स को किट प्रदान की। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने जनपद सभागार में कोरोना वॉरियर्स को किट प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य जनपद कार्यपालन अधिकारी बाहेती, थाना प्रभारी जगदीश गोयल और अध्यक्षता मुकेश ने की। सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश्वर मेहता उपस्थित थे। इस महामारी के जन जागरूकता कार्य कर रहे 50 वॉरियर्स को किट प्रदान की गई। बाहेती ने कहा कि समाज की भागीदारी में बिना इस महामारी से लड़ा नहीं जा सकता। आप गाँव में समाज सुधारक हो, आपकी बात जनमानस सुनता है। थाना प्रभारी ने सोशल मीडिया और पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखने को कहा। पुलिस को समझे और उसकी नकारात्मकता को ना देखें, उनके अच्छे कार्य को भी समाज के सामने लाए। भिकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज जनपद पंचायत सभागृह में माननीय मुख्यमंत्री जी की मनसानुसार इस कोरोना महामारी वैश्विक को कैसे हम इससे छुटकारा पाए और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं कोरोना वॉलेंटियर के रूप में लिंक के माध्यम से पंजीकृत कर हमारे भिकन गांव विकास खंड में 285 वॉलेंटियरों ने सेवा करने का संकल्प जो लिया था, ऐसे वॉलेंटियरों को ये प्रोत्साहन स्वरूप आज किट वितरण का कार्यक्रम इस सभागृह में आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में। जी क्या है? ये जो हमारे जो वॉलेंटियर है ये पूरे तहसील से बिलोंग करते हैं और ये जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की तरफ से कोरोना वॉलेंटियर को किट के रूप में वितरण हमने किया है, जिसमें मास्क है, टोपी है और गमछा है, ताकि हमारे जो वॉलेंटियर में गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के वितरण करते समय वो खुद भी इस सावधानी से बचे, इसके लिए यह किट वितरण किया गया है। कालू सिंह मंडलोई, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड समन्वयक भिकन गांव। जन अभियान परिषद की तरफ से कोरोना वायरल टेस्ट के लिए जो किट उपलब्ध हुई थी उसके लिए भी आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और उसमें मुझे बोलने के लिए कुछ कहा गया, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जिस प्रकार सभी कोरोना वॉरंटियर्सों ने इस प्रकार के कोरोना महामारी में अपना जीवन को संघर्ष में डालते हुए समाज के प्रति अपने जो उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। रजनीश निम्बाड़कर, सह जिला कारीवा, खरगोन। जन अभियान परिषद की ओर से कार्यक्रम रखा गया जनपद सभागार, तो इसके क्या उद्देश्य हैं? आज जो पूरे विश्व में जो एक वैश्विक महामारी कोरोना नामक जो भयवा एक महामारी है, जो समाज में ऐसी भयवा स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की एक मंशा थी कि कहीं न कहीं समाज के बीच में समाज के ही लोग कोरोना वॉलेंटियर बनकर अपने समाज को कहीं न कहीं प्रेरित करें और इस महामारी को बचाओ और सावधानियां को बताते हुए अपने आप को बचाए। इसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें किट वितरण हुआ। महेश कुमार खराड़े है, विकासखंड समन्वयक झिरनिया। आज जो कार्यक्रम रखा गया था जन अभियान परिषद की तरफ से जनपद सभागार में, उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ भिकन गांव जनपद सभागार में जो आज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अभी लॉकडाउन में मैं वॉलेंटियर जल अभियान की ओर से जो गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले में काम कर रहे थे उन लोगों को किट वितरण की गई और वो सराहनीय काम है जो गांव-गांव में काम किए, प्रशासन के कंधा मिला के काम किए, ये सराहनीय काम किया, इसलिए उनका आभारी हूँ मैं। आपका पूरा नाम? मेहताब सिंह बर्डे, वनवासी कल्याण परिषद जिला सकंदनगर। आप लोगों को
जी सर, मैं भागीरथ मुजालदे, ग्राम कोदला जागीर से मैं जन अभियान परिषद से वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जाकर, समुदाय के बीच में जाकर उन्हें कोरोना वायरस के बारे में सावधानी रखने के लिए कहते हैं, और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन लोगों को मास्क पहनने के लिए कहते हैं, और दो गज की दूरी बनाने के लिए कहते हैं। जो लोग बिना मतलब जो काम बिना कारण से बाहर निकलते हैं उन्हें घर पर रहने के लिए ही प्रेरित करते हैं। सापले ग्राम पिपलिया बुजुर्ग जन अभियान परिषद से वॉलंटियर के रूप में कार्य करती हूँ। मैं गांव में लोगों कोरोना काल में नगर सैनिक के रूप में आपने जो कार्य किया, उस संबंध में आप क्या अपना अनुभव बताया? कोरोना काल में मैंने गांव में लोगों को मास्क वितरण किया, मास्क पहनने के लिए जागरूक किया, और कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वैक्सीन कोरोना काल में ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के लिए गांव में देखा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति है, और अब आप ये संदेश लेकर गांव जाएंगे तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? वैक्सीनेशन के लिए गांव में अधिकतर लोगों को डर है कि वैक्सीन लगाने से अफवाहें जो फैल रही है वो अफवाहों को दूर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, वैक्सीन ही बचाव है, ऐसा संदेश देंगे। हाँ सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।